1 2 3 go. Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share a vlog. ये रॉ ब्लॉग होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कट एनीथिंग, स्टॉप इट. एंड आज है मेरे ब्रदर का बर्थडे, सो आई थॉट मुझे ये ब्लॉग करना चाहिए क्योंकि क्वारंटीन क्वारंटाइन जो भी आप बोलते हो, क्योंकि कोरोना वाला टाइम चल रहा है. सो आई थॉट आई शुड कीप इट एज अ मेमोरी ऑन माई चैनल कि फ्यूचर में जब हम देखें तो हम याद करें कि हमने इसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था. नाउ यूजुअली हम बाहर जाते थे बट आज हमें घर पे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा इसका बर्थडे. सो यू गाइज ऑल नो ऑलरेडी कि ये मेरा ब्रदर है. सो वी आर डूइंग पैम्परिंग सेशन टूडे बिकॉज आज है मेरे ब्रदर का बर्थडे. सो उसको पैम्परिंग सेशन देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो वैसे तो कुछ करता नहीं अपनी स्किन के लिए. सो आई एम गोइंग टू शो यू गाइज कि हम उसका पैम्परिंग सेशन कैसे करें. ये क्या है? तो मैंने इसका स्क्रब जो है वो कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू आई मसाज क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं. सारा दिन ये लैपटॉप पे बैठा रहता है, रात को भी पबजी खेलता है. और इसके बाद हम फेस मास्क लगाएंगे. ओके, शाउट आउट्स चाहिए मुझे, शाउट आउट. सो आई मसाज डन है सर आपकी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गिव यू फेस मास्क सेशन. सो दिस इज द फेस मास्क, दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ इन केस एनीबडी वॉन्ट्स टू नो. आई एम गोइंग टू लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अभी इसको तकलीफ बस था, सर्दियाँ नहीं चलनी है, गर्मियाँ ही चलनी है. So your face mask session is complete. Now you have to keep it for 10 to 15 minutes. उसके बाद आप नहाएंगे और नहाने के बाद मेरे आप कैमरे से बाहर निकल जाते हैं. So I have prepared breakfast for my brother. Now I'm going to serve it. जो वो breakfast में रोज खाता है, जो उसको बहुत अच्छा लगता है. सो अभी मैं उसके लिए वो लेके आऊँगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइज हिज रिएक्शन कि उसका रिएक्शन क्या होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है. सो आई एम गोइंग टू डू हिज सॉरी टिकटॉक की लड़की टिकटॉक की बेटी. सो आई एम गोइंग टू डू हर सेवा टुडे. सो लेट सी हर. फिर अबे साले जब माफ करना, मैं इधर तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ. सो लेट सी हिज रिएक्शन. आपका ब्रेकफास्ट, आपका आपकी शक्ल आपके मैंगो शेक से मिल रही है. तो आज इतनी सारी विशेज आई है, इतनी मुझे मेरी पूरी जिंदगी में नहीं आई, बट एनीवेज आई डोंट माइंड. सो मैंने इस इंट्रो से पहले काफी सारी क्लिप्स शूट करी थी. ओह शिट, एंजल कैन यू स्टॉप. सॉरी, मेरा जो डॉग है वो मेरे सेटअप को हिला रहा है इसलिए थोड़ा कैमरा एंगल चेंज हो गया. मैं ऑलरेडी कुछ क्लिप्स पहले शूट कर चुकी हूँ, वो मैं पहले डालूंगी. अब हम रेडी हो चुके हैं. आई इंसिस्टेड हिम टू डू ट्विनिंग विद मी क्योंकि मे बी हम टिकटॉक भी बनाएंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव हिम अ हेयर कट. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी टुडे क्योंकि इसके जो बाल है वो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं. एंड इन फैक्ट मैं इसके पोनटेल्स भी बना सकती हूँ. सो मैं इसको बहुत ही अच्छा सा हेयर कट देने जा रही हूँ. सो डू लेट मी नो इन द. और एक चीज और, वी आर गोइंग टू गिव शाउट आउट टू सम ऑफ द विशेज. इसको बहुत सारे विशेज आई हैं, उसमें से हम कुछ लोगों के विशेज स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डालेंगे और उनको थैंक यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. इसने कुछ Q&A भी रखा है थोड़ा सा, तो हम उनके भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे. अप्रॉक्स Angel. Approx 5 to 6. Oh my god! Can you stop? Anyways, so let's get started with his haircut. So, मेरे ब्रदर की हाइट इतनी लंबी है कि अगर वो खड़े होके मेरे साथ व्लॉग करते रहे, वो कैमरा से चला जाता बाहर, उसकी सिर्फ मतलब गर्दन चली जाती है, सिर्फ ये इतना शरीर नजर आता है. सो एनीवेज अभी हम इसका हेयर कट करने जा रहे हैं.
लेट्स सी कि ये गज्जा हो जाता है कि क्या होता है. बी स्मार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. डोंट ट्राई दिस एट होम. मैं तेरे कितने कितने बाल काटूं? अपनी मर्जी ना काट दे, मुझे नहीं पता. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मैं इसके इतने बाल काट क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं. आई थिंक जब से लॉकडाउन हुआ इसने इसने हेयर कट करवाया ही नहीं. तो कुछ टॉवल वगैरह तो रख ले, ऐसे अंदर चले जाएंगे बाल. ये कंघी पकड़ ऐसे लगे, ऐसे होल्ड करके रख. टेढ़ी मेढ़ी मत कर, तेरे बाल है. एंजल स्टॉप प्लीज, मेरी इंग्लैंड गिर जाएगी. डोंट डू दिस. ओ शिट, नहीं कटे नहीं जाते. हाय हाय, ये बाल है कि क्या है? इसके लिए और मेरे ऊपर ही फेंक रहे हो. इसके लिए तो मुझे लग रहा है वो मशीन चाहिए. योर हेयर आर टू स्ट्रांग, टू स्ट्रांग, स्टबर्न, स्ट्रांग, स्ट्रांग, स्ट्रांग. नूजा हिल मत, आंखें चली. ओह माय गॉड, अच्छे लग रहे प्रोफेशनल हेयर. यार ये कितना यहाँ पे झुंड बना पड़ा है बालों का. करो, मैं तो फिर इनको ऐसे काट रही हूँ. और नहीं सोफिया पागल हो गया. तो पागल ये देखने कितने बड़े बड़े हैं. ओह माय गॉड, इतने लंबे बाल मेरे. सॉरी सॉरी, टेक अ शावर अगेन. ना एक तो ये नहाने से इतना डरता है ना, आज मुश्किल से ही नहाया. बट मेरे मॉम ने वो पहले बेक कर लिया. माई मॉम इज नॉट अलाउइंग अस कि हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर करें. दो ऑर्डर स्टार्ट हो चुकी है बट उन्होंने मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना. So she has prepared everything at home, even cake. Even I'm going to share that as well. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मेरे मामा बहुत अच्छा, बहुत yummy cake बनाते हैं. And बस यहाँ के बाल तेरे इतने लंबे हैं ना, just like a TikTok की बेटी. Oh shit! Oh ho! You can find your career in TikTok now. you can be like that na. But ek side se ladka to dusri side se ladki kyunki tere baal itne lambe ho gaye. Cringe. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a ye kya aa gaya ye oka oka. Ha to ye kya bana diya, ye kya, ye dekh, ye dekh, ye kya bana diya. कुछ नहीं होता, आई जाने है. Now, हमने इसका सुबह सुबह जो है फेस पैक वगैरह किया था, बट मैं चाहती हूँ मैं इसके पील ऑफ मास्क लगाऊं और जो पील ऑफ नोज पे पाती है मैं वो भी लगाऊंगी. बट इससे पहले वी आर गोइंग टू गिव शाउट आउट टू सम ऑफ द लवली पीपल हु हैव विश्ड हिम. सो ओपन योर इंस्टाग्राम डीएम, डीएम खोले. रिप्लाई नहीं किया सबको? नोप, बिकॉज इवन इसके आधे मैसेजेस का रिप्लाई मैंने किया. अभी भी इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं. सो हम किसी की भी स्टोरी ओपन करेंगे और उसकी उसका स्क्रीनशॉट या मेंशन करेंगे. मुझे सारे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, साथ ही साथ ले लियो, फिर तुझे याद रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, कौन है ये बोलो नेम. पकड़ा तो सही. GFX MD. हैप्पी बर्थडे गुरुजी. नाइस है, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बनाया. स्क्रीनशॉट ले इसका. वेट अ मिनट, उन्होंने बहुत सुंदर इसकी शक्ल बनाई है. मेरी शक्ल नहीं. ओ शिट, वेट वेट वेट. थैंक यू GFX-MD फॉर लवली विशेस, जो आपने बहुत अच्छी
सुंदर सी पेंटिंग बना के भेजी। आई डोंट नो आपने जो भी बनाया आप लोगों को नॉलेज होगी आपस में, बट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जस्ट पिक रैंडमली, आई विल टेल। लेट्स पिक दिस, दिस इज विटोसा मॉप, आई डोंट नो VETOSAMOP। ही इज सेइंग ब्रो कीप इट अप, यू हैव सीन द इंडियन ग्राफिक डिजाइनर कम्युनिटी टू नेक्स्ट लेवल, सो मेनी पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू। Thank you so much. Take the screenshot. Done. Next, आपका यूजर नेम बहुत मुश्किल था। Yeah. Next is this. Wow, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। IG skull off. Off. इन्होंने बनाया है happy birthday और फिर से इसकी शक्ल लगाई है। It's not with my this body. शक्ल. It's not my शक्ल. So again, saying thank you. Thank you so much. Thank you so much. IG dash Skull OP dash OP or O OP OP होता है पीछे इट्स ओवरपावर्ड। तीन हो गए, दो और लेंगे हम बस। दिस वन महीन ग्राफिक्स, ही हैज हैप्पी बर्थडे एमलेट एके ऑमलेट, वेरी नाइस। इसी तरह से विश होनी चाहिए, किलो बर्थडे केक सॉरी ऑमलेट था। बहुत अच्छा, उन्होंने विश भेजी है। व्हाट इज हिज नेम, महीन ग्राफिक्स, थैंक यू सो मच महीन ग्राफिक्स। इतने सारे लोगों ने इसको विश किया है और स्टोरीज डाली है, बहुत 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 ग्रेटफुल, ही इज वेरी ग्रेटफुल। सुबह से यही बोल रहा है कि मुझे इतने सारे लोगों ने विश किया है। नेक्स्ट वन, एंड सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट अ फकिंग मशीन, ऐसे नहीं बोलना। बट वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू एवरी वन, मैं इसमें सिस्टर में सबको रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रिप्लाई करना। करेंगे कोई बात। नेक्स्ट इज रास्कल एडिट्स, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी बना के लिखा है, हैप्पी बर्थडे एम्बलेट। वैसे इसने जितनी भी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे आई है सारी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, सो आप इसके इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। ही हैज 11.3 के ओरिजिनल फॉलोअर्स, ओरिजिनल लाइक मैं इसको शाउट आउट के लिए ना ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, पर ये मुझे शाउट आउट नहीं देता। एनीवेज, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गिव यू अ पैम्परिंग सेशन बिकॉज यू नीड इट। ओके, लाइक आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मेरे को देख के कोई इसको बोल सकता कि मेरे भाई की फैशन सेंस इतनी ज्यादा गंदी है, सो वी आर गोइंग टू गिव हिम स्किन केयर सेशन मेरे महंगे वाले स्किन केयर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस स्किन केयर सेशन। Inches later. So, इसका फेस मास्क जो है वो सूख चुका है। What is this? So, हम इसको उतारेंगे और इसका रिएक्शन देखेंगे। ये टेप है। It's a peel off mask. नहीं। No, it's not painful. Hey, तू ही मैन जैसे लग रहा है, वो जो आता है ना ग्रीन कलर का, जो भी आता है। ये लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चेक कर। जल्दी होता है, फटाफट। One, two, three, go. What is this? कुछ भी नहीं है इस पे तो। इस पे आपके हेयर है, ब्लैक हेड्स आपके है नहीं, इसलिए निकले नहीं। मजा ही नहीं आ रहा तो। ये देखिए इसकी त्वचा चमकी, गोरा भी लग रहा है तू। अभी मैं नोज स्ट्रिप लगाऊंगी बट वो थोड़े टाइम बाद, उससे पहले हम उनके Q&A का जवाब देंगे और मैं आपके साथ केक भी शेयर करूंगी जो मैंने बनाया है।
सो माय मॉम हैज मेड टूटी फ्रूटी या चेरीज बोलते हैं इनको, जो भी होता है मतलब जो छोटी छोटी चेरीज होती है आइसक्रीम्स वगैरह में. सो हमने यूट्यूब से देखी बनाई थी यूजिंग वाटरमेलन के छिलके. इग्नोर द मेस जो पीछे हैं क्योंकि आज हम कुकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेस है किचन में. सो ये हमने बनाई थी वाटरमेलन के छिलके यूज़ करके. मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उससे बहुत अच्छी ये चेरीज काइंड ऑफ बन गई थी. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमने ऐड कर लिए थे. सो इसको अब हम केक में डालेंगे, प्लस वी आर गोइंग टू पुट सम ड्राई फ्रूट्स एज वेल एंड देन बेक इट. तो अभी मैं बेक करने लगी हूँ केक अपने ब्रदर के लिए. इसमें मैंने डाला है सूजी, दही, दूध, ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा ज़्यादा ही है. और इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा इनो डालूँगी. और इसको देन मैं गैस के ऊपर ही बेक करूँगी क्योंकि माइक्रोवेव में मेरा केक बहुत हार्ड हो जाता है. मे बी मुझे टेम्परेचर नहीं पता. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट एंड देन बेक इट. Hi guys, welcome back to another clip. So I'm reshooting this the end part of the video because ये कल बीमार हो गया था. इसको सवेयर बैक पुल है और पता नहीं कैसे हो गया. और ये कल सो गया था आफ्टर कटिंग द केक और अभी ये 2 o'clock के अराउंड उठा है. सो आई थॉट कि मुझे अपने ब्लॉग को एंड करना है बिकॉज आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके हमें आंसर्स देने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पार्ट एंड देन आई एम गोइंग टू एंड द ब्लॉग. I am going to see the questions. We are going to put the questions on the screen जिन्होंने पूछे हैं because we really don't want to pronounce the names wrong. तो नाम कईयों के नाम जो है हमें नहीं समझ आएंगे. ये है तौसीफ खान 19. What is your age? बताओ. परसों तक तो 18 थी but आज 19 हो चुकी है. He is 19 plus. 18 plus. 19 plus. 2001 born. हाँ, 19 plus. Yeah. Next question is, most of his questions are, one question is from Ledge Place. What do you think about your old subscribers? I am from 1.5k. That is such a great thing, na? सब सब्सक्राइबर सेम है, जो नहीं न्यू है वो भी सेम है, जो ओल्ड थे वो भी बिल्कुल सेम ही है मेरे लिए, कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली. बट ऑब्वियसली ही इज ग्रेटफुल फॉर एवरीवन ना. जो न्यू है उनके लिए भी ग्रेटफुल है, जो ओल्ड है उनके लिए तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है. सो थैंक्स जिन्होंने भी इसको सब्सक्राइब किया. 1.5k तो बहुत पीछे है ना. नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ब्लेड्स Double X, who inspired you to start a channel? Me. No. Me. No. I have inspired. No, no. To start a channel. No. किसने inspire? किसने भी inspire नहीं किया था. He just started his own channel. ये पहले कैरिम रेड्डी को बहुत देखता था, तो इसने roasting start करी थी. Roasting से अपना channel start किया था. And even I insisted him to start his vlogging channel, but he don't do that because
बहुत सारे इसके फॉलोअर्स है, ऑब्वियसली बात है सारे फॉलोअर्स देखना चाहती हैं इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है या ब्लॉगिंग में कुछ शेयर करें. डू लेट हिम नो इन हिज कॉमेंट सेक्शन या फिर मेरे कॉमेंट सेक्शन में कि इसको ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए कि नहीं शुरू करनी चाहिए. नेक्स्ट इज फ्रॉम ल्यूमिनस GFX. और बताओ क्या हाल चाल. हाल तो इसका टाइट ही है, कल से बहुत बीमार है, पीठ भी इसकी जा चुकी है. नेक्स्ट इज फ्रॉम XX कुशाग्रा XX. ब्रो बर्थडे का कोई स्पेशल वीडियो आएगा क्या? नहीं भाई नहीं आएगा एक्चुअली. ये वीडियो पता नहीं कौन सी है, मैं बना रहा हूँ अपने आप ही. कौन सी वीडियो? ये वाली. दिस वन. या ही इज वाचिंग द बर्थडे स्पेशल वीडियो, पूछ रहा है. अच्छा यही इसने तो ब्लॉग, इसने तो कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया बर्थडे का. मैंने इसको बोला था कि ब्लॉग बना ले, बट ही सेड कि आई शुड मेक अ ब्लॉग ऑन माय चैनल ताकि देख सकें सारे व्यूअर्स, क्योंकि ये ब्लॉगिंग करता है. यू विल फाइंड दिस वीडियो इन माय कम्युनिटी टैग ओके एंड माय इंस्टाग्राम आल्सो. स्वाइप अप वाला चीज. नेक्स्ट इज फ्रॉम तापस दत्ता. तापस सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल? अच्छे से याद नहीं है, पर बैक इन 2016 आई डोंट रिमेम्बर. वो तो अपनी उसमें देख ली हूँ ना यूट्यूब, और वी आर गोइंग टू मेंशन इट. बैक इन 15-16. ओके सही है. पांच साल तो बहुत साल हो गए हैं. नेक्स्ट इज रवि लाइव गेमिंग. कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट मुझसे? मेरे से जितना टैलेंट इसमें सारा मेरे से. कहीं से नहीं लाते हम इतना टैलेंट, हमें पता नहीं कहाँ से मिलता है एक्चुअली. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज फ्रॉम मेहता GFX. आपका डिवाइस कौन सा है? पोको F1. कितनी बारी बता दिया मैंने? कैमरे से बोल रहा है. ये तरीका है कितनी बार बता दिया? फिर से बता दे. पोको F1 फ्रॉम मी इज फॉर 16,000. इसका कोई लैपटॉप भी है? Asus का. Who is your inspiration? Already question हो चुका है. अभी कोई है inspiration तेरी? अभी कोई inspiration नहीं है इसकी. My subscribers. Fever play ZYT. I know it's gonna be a Q&A. Who inspired you to edit videos and photos? Why are you so cool? Cool dude. I'm not a cool dude. He is not at all cool. Cool dude नहीं हूँ मैं. मैं बहुत ही simple. बहुत simple है ये. ये अगर इसको एक टी शर्ट बदलने को ना बोलो ना, ये हफ्ता यही पहन के एडिटिंग करता रहता है. ये कोई कूल नहीं है. लुक्स नॉट मैटर फॉर मी एंड ओनली अपीयरेंस. ही इज नॉट कूल. मैं कभी बाहर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं बाहर नहीं जाता. ये बाहर भी जाएगा ना कहीं घूमने मेरे साथ, ये इन्हीं कपड़ों में जाता है. ही इज नॉट एट ऑल कूल. कूल शायद आप. उसने दूसरे टाइप से कूल कहा है. जब हम वीडियो बनाते हैं मेरा डॉग बहुत शोर मचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हरदीप सिंह डैश मतलब _98. लॉकडाउन कैसा जा रहा है? चलिए लॉकडाउन बहुत बढ़िया जा रहा है. हमको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है. ये गंदी सी आंटी के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये विषय परेशान करती है मेरे को. बट आई एम गेटिंग टाइम फॉर स्पेंड. वैसे मैं घर पे ही रहता हूँ, बट ये लॉकडाउन कुछ ज्यादा चेंज. वैसे भी लॉकडाउन ही रहता है हमेशा, ये घर से बाहर जाता ही नहीं. नेक्स्ट इज फ्रॉम Mac- मतलब _01. मुझे रिप्लाई करेगा कि नहीं, काट डालेगा मेरे को. ब्रो पर आवर 20-25 मैसेज आते हैं मेरे को. एंड आई एम डेड रिप्लाइंग देम. बट अगर तुम्हारा लॉल. लेकिन मैं कर दूंगा रिप्लाई अगर तुम्हारा कुछ. नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हाट इज दिस पकौड़ा गेम. यस तू मुंबई कब जा रहा? बीडू. एक्चुअली आई विजिटेड मुंबई ओनली वन टाइम जब मैं बहुत छोटा था. बहुत छोटा था मैं. 2013. वी आर सून प्लानिंग. आएंगे हम आफ्टर लॉकडाउन. कोशिश करेंगे कि गोवा या मुंबई जरूर जाएं. जरूर. यू मेरी स्टोरी कब डाल रहे हो अपनी आईडी पे? डाल देना फिर.
सीन शुरू कर लो भाई, गुड टाइम आवर पड़ो व्हिच वन दिस हेयर एस या हेयर एस हेयर स्ट्रीम शुरू कर लो बाय द वे बिग फैन यू आर माय इंस्पिरेशन टैग कर दो स्ट्रीम इसलिए बंद है क्योंकि लॉकडाउन में वाईफाई वैसे ही मरा हुआ है और उसमें और जो डाल दिया तो खत्म हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीम करके मेरा वाईफाई बंद हो जाए तो कोई बात नहीं लॉकडाउन चलेगा तो मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईजी अर्पण कलेक्ट भाई हेयर कट किया भाई हेयर कट तो नहीं अगर आपने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा इसने हेयर कट मैंने कर दिया इसका हेयर मेरे ऊपर बहुत अच्छा जबरदस्ती अत्याचार हुआ वन लाइक इक्वल टू वन मेरे जैसा लड़का सेव ओके कार्बन एडिट्स आपका यूजर नेम एमलेट क्यों हुआ पहले क्या था 20 के 10 के वाला क्यों नहीं देख लो तो मैंने बता रखा है बहुत लंबी स्टोरी है सो आई एम नॉट गोना स्ट्रेच दिस अप पहले था वो रोस लो जी इट्स मंजी मांझी मंजी आप पंजाब से हो यस ही इज फ्रॉम लुधियाना बेसिकली वी आर फ्रॉम दिल्ली बट हम अब लुधियाना में शिफ्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली फ्रॉम पंजाब बिकॉज मेरा बर्थ हुआ था जब मैं 1 साल का था तो नेटिव सिटी इज दिल्ली ना तो बर्थ तो दिल्ली में हुआ है नेक्स्ट एंड लास्ट इज अर्नव सिंह डॉट आई जी भाई इतने जेन्युइन कैसे हैं एक्चुअली इज ही इज नॉट जेन्युइन एट ऑल आई एम जेन्युइन ये मेरे साथ अगर इसकी कोई चॉकलेट होगी चिप्स भी होगी वो तक नहीं शेयर करता तो जेन्युइन जेन्युइन का मतलब वो नहीं है जेन्युइन रियल आई एम रियल इस मार्केट में जेन्युइन होना ही पड़ेगा अगर सपोर्ट चाहिए तुमको ठीक है फ्रॉड श्रॉड करके ऐसे नहीं बेचती बहुत गंदी वाली मेरे को पता है जेन्युइन होना पड़ेगा एंड यू शुड द फक अप एक्सक्यूज मी दिस इज माय चैनल तो मेरा यहाँ पे क्यू एंड ए खत्म होता है सो यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होता है आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे हैप्पी मेरा चैनल भी बाय से बाय बाय